अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इजाज़ अरशद और आप देख रहे हैं इजाज़ टेक्निकल टीवी। आज दोस्तों हम जिस सिलसिले में बात करेंगे वो है ये सोल्डर पंप। ये दोस्तों मैनुअल है, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ये अक्सर ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। इसकी जगह हमने ये हमारे पास ख़राब पड़ा होता तो इसको हमने ना किया, इसका जो वैक्यूम वाला सिस्टम था ख़त्म करके हमने ये दूसरे के इस गन ये एक हम चाहिए जो ख़राब है, ठीक है। इस और ये हमने देखे इसके अंदर से वो स्प्रिंग वगैरह इसका सामान निकाल दिया है, और एक हमें ये चाहिए, ये गन चाहिए वैक्यूम के लिए, और ये हमने बॉक्स बनाया इसको छोटा सा ताकि कचरा इसमें आए, इस चीज़ में ना जाए। इसके अंदर ये हमें चाहिए फ़िल्टर, और बाकी ये एक बटन चाहिए। मज़ीद हम आपको बना कर दिखाते हैं, और पाइप चाहिए। तो जी दोस्तों, ये हम इसको फिटिंग ऐसे कर देंगे, ठीक है। और ये पाइप इधर लगा दिया, और ये जोन सा पाइप है ये नीचे जाएगा कचरा इसके अंदर। ये इधर फिल्टर लगा देना है, और ये यहाँ से पहले जो सोल्डर है वो इसमें आएगा, इसके बाद अगर आ भी जाए तो इसमें आएगा, अगर इससे भी ऊपर जाएगा तो ये फिल्टर है ताकि इसके अंदर ना जाए, इसको नुकसान ना पहुँचे। ये यहाँ पे लग गया, और ये बटन जो है ये हम यहाँ पे सिलिकॉन से लगा देंगे। ब्रेक ला तो जी दोस्तों, यहाँ पे आप सिलिकॉन लगा के इसको ये आप तो यहाँ पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये जब तक खुश्क होता है तो हम ये इसकी वायरिंग जो है वो लगा लेते हैं।
तो जी दोस्तों, ये हमने वायरिंग लगा दी है, एक ये बटन की है, ये वैसे 220 से हम इसको करंट दिया है, ये ऑपरेट करवाएंगे। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा टच लगा दें और रिले और लगा दें जो है 12 वोल्ट का अडाप्टर लगाकर, तो उससे भी ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर आप ये बटन लगाएं इस तरह का, तो इसको अच्छे तरीके से सेव कर दें ताकि यहाँ पे 220 वोल्टेज आने हैं। और ये जो चीज़ है, इसको ऐसे इसके साथ किसी बॉक्स में फिक्स करना है, इसको ऐसे नहीं रखना ताकि इसके अंदर कचरा ना जाए। ऐसे होगा तो ये इसके अंदर कचरा जाएगा, वो नीचे रह जाएगा, और ये अगर यहाँ से चला भी जाए तो ये फिल्टर है, फिल्टर से आगे कचरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद अब हम आपको बना इसको चला कर इस्तेमाल कर कर दिखाते हैं कि हमने ये कैसे बना। ये होगा कि कचरा जो है वो इसके नीचे रह जाएगा और ये जोन से फिक्स हो गया। आप इसको किसी बॉक्स में भी फिक्स कर सकते हैं। दिखाते हैं, ये स्टेबलाइजर की किट है। ठीक है, तो अब हम ये रिले निकालते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। Mm-hmm.